हमारे पास ये रोलैंड का DC40 इको है, जिसमें डिले का प्रॉब्लम आ रहा है, टाइमिंग इसकी ठीक नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जल्दी जल्दी से रिपीट आ रही है, उसमें टाइमिंग का इशू आ रहा है, तो इसको आज बोलिए रिपेयर एक करने बार। वाले हैं। देखिए हेलो हेलो हेलो, देखिए इसमें आज इसको रिपेयर करने वाले हैं हम, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसकी टाइमिंग ठीक नहीं आ रही है रिपीट की। हो गया ओपन अपना इको, देखते हैं इसमें टेस्टिंग करके क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। हेलो 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 इसमें रिपीट तो आ रही है लेकिन उतनी अच्छी रिपीट नहीं आ रही। चलिए टेस्टिंग करते हैं आगे। सबसे पहले हम मेन बोर्ड है ना जो, उसका रिव्यू कर लेंगे, एक बार देख लेंगे सारे नंबर्स, IC का नंबर, ट्रांजिस्टर का नंबर जो भी है, एक बार जूम करके देखते हैं कौन सा नंबर कहाँ पे क्या यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में आगे टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तभी समझ में आएगा सबको। देख लीजिए एक बार नंबर सब लोग ध्यान से, तभी करिएगा जब सेम नंबर हो। IC टेस्टिंग करते समय आपको क्या है, ईको का जो पावर सप्लाई है ना वो ऑन रखना है, तभी आपको वोल्टेज पता चलेगा। और आपका जो मीटर है उसको आपको वोल्टेज वाले सेक्शन पे 200 पे लगा देना है। वाले सेक्शन 200 पे लगाने के बाद सबसे पहले हम इसके रेगुलेटर को चेक करेंगे, इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है वोल्टेज कहीं। देखते हैं वोल्टेज एकदम ठीक है रेगुलेटर का, परफेक्ट करेक्ट है। चलिए रेगुलेटर के बाद अब बारी बारी से IC का टेस्टिंग करेंगे, सभी ICओं पे सेम वोल्टेज होना चाहिए तभी आपकी सभी ICयां ठीक हैं। तो आइए चेक करते हैं एक एक करके सभी ICओं का वोल्टेज, हर एक पॉइंट पे कितना क्या है कैसा है सब कुछ देखते हैं, कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो फिर IC में प्रॉब्लम हो सकती है, तो IC भी चेंज करनी पड़ सकती है हमें। देखते हैं कहाँ पे क्या है सब, अगर परफेक्ट आता है पांचों ICU में चेक करते हैं क्या दिक्कत है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो फिर बदलना पड़ेगा हमें IC। वैसे तो ज़्यादातर कंडीशन में आज तक बहुत ही कम वाइस चांस ही ख़राब होती हैं इसकी IC, वैसे ख़राब नहीं होती, लेकिन टेस्टिंग करने में क्या जाता है, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं सब कुछ पता चल जाता है। ये टेस्टिंग कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा टेस्टिंग कर चल रही है एकदम, बाकी तो सब ICU पर एकदम परफेक्ट आ रहा है, लेकिन एक IC बची हुई है उस पर भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। लास्ट वाली पे अगर उस पर भी परफेक्ट हुआ तो अपनी IC सभी ठीक है। आए देखते हैं, लग रहा है इस पर भी ठीक ही है वोल्टेज, ड्रॉप नहीं हो रहा है कहीं पे, ये भी सही है। IC एकदम परफेक्ट हैं सभी, टेस्टिंग ओके है ICU का। रिपीट वाले बोर्ड का IC भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, इस पर क्या कैसा है वोल्टेज, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है कहीं पे, देखते हैं। यहाँ पे भी एकदम क्लियर ही आ रहा है, परफेक्ट भी वोल्टेज होना चाहिए था, तो यहाँ पे IC का तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं, जो कि 1815G नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें देखते हैं इसका वोल्टेज क्या कैसा, ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। अपना ट्रांजिस्टर भी सही है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस का टेस्ट और कर लेते हैं एक बार ही थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही ना प्लीज, 100 ओम ये तो सब सही है। सैतालीस के 47
रेजिस्टेंस ही अपनी सही है सभी फिलहाल, तो आगे देखते हैं और कुछ। अपने बोर्ड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे रह गए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का टेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें सारे वॉल्यूम 47 के की वॉल्यूम लगे हुए हैं, तो वॉल्यूम का टेस्टिंग और एक बार कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वॉल्यूम का ही जो रिपीट तो आ रही है, लेकिन जो टाइमिंग है ना ये रिपीट रेट ये ठीक नहीं आ रहा है। चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं। तो रिपीट रेट गड़बड़ है, तो सबसे पहले रिपीट रेट वाले वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि 47 के का हो तो ठीक है, अगर 100 के का है तब भी चलेगा, क्योंकि 100 के का हम लोग भी यूज़ करने वाले हैं। देखिए आप लोग ये अल्फा का वो इसके अंदर जो भी वॉल्यूम लगे हुए हैं वो पूरे सारे 47 के वॉल्यूम हैं, देख लीजिए आप लोग। और अभी जो हम देखेंगे ट्राई करके 100 के का, ये 100 के का वॉल्यूम लगाया हुआ है हम लोगों ने, देख लीजिए आप। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी और हुई है प्रॉब्लम ठीक कि नहीं, टेस्टिंग करके देखते हैं एक बार फिर से। तो साथियों अपना जो प्रॉब्लम फॉल्ट था मिल चुका है हमें, और ये वॉल्यूम का फॉल्ट था। अब जो रिपीट था एकदम परफेक्ट आ गया है, टाइमिंग भी ठीक आ गई है इसकी, देख लीजिए आप लोग खुद सुन सकते हैं इसका रिपीट टाइमिंग परफेक्ट हो गया है एकदम, वॉल्यूम ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, देख लीजिए। जो हमारा फॉल्ट था वो सही हो चुका है, अब इसमें हमने 100 के का वॉल्यूम लगा रखा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। पुराने वाले वॉल्यूम को निकाल के रख देते हैं, ये 47 के का वॉल्यूम है, अभी जो डाल रखा है 100 के का ही वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम था, इसमें हमने चेंज कर दिया है फिलहाल। तो ये ओरिजिनल है, अल्फा कंपनी का है, वो भी हमने अल्फा का वॉल्यूम लगा रखा है जो है 100 के का, ये देखिए अल्फा, इसको हम लोग सेट कर देंगे, फिक्स करेंगे। जब तक वॉल्यूम लग रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हेलो